दोस्तों बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दोस्तों खबर है कि बिग बॉस फेम अर्शी खान का दिल्ली के मालवीय नगर में एक्सीडेंट हो गया है। एक्ट्रेस अभी अस्पताल में भर्ती हैं। एक्ट्रेस अभी डॉक्टर्स की देखरेख में है और किसी भी तरह के खतरे की कोई बात नहीं है। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अर्शी इन दिनों दिल्ली में शूटिंग कर रही थी। अर्शी के करीबी ने बताया अर्शी कार में थी। ये एक्सीडेंट दिल्ली के मालवीय नगर शिवालिक रोड पर हुआ है। हालांकि एक्सीडेंट कैसे हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती है। वहीं जब अर्शी के परिवार से संपर्क किया गया तो उन्होंने एक्सीडेंट की खबर की पुष्टि की है। आपको बता दें कि अर्शी खान विश और सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नजर आई थी। वहीं वो जल्द ही कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्शी खान कुश्ती सीख रही हैं। वे इस खेल के दाव पेच को सीख रही हैं और इसके लिए मुश्किल ट्रेनिंग कर रही है। इसके बारे में अर्शी ने कहा था, मुझे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस खेल को पूरे समर्पण के साथ सीख रही हूँ। मैं भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहती हूँ। मुझे किसी पुरुष या महिला के साथ लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आज के समय महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। महिलाएं भी पुरुषों जितनी ही स्ट्रांग है। वहीं आखिरी बार अर्शी खान बिग बॉस 14 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नजर आई थी। इससे पहले बिग बॉस 11 में अर्शी हितेन तेजवानी के साथ अक्सर फ्लर्ट करते दिखती थी। अर्शी को पहचान बिग बॉस 11 से मिली थी। एक्ट्रेस ने अपने सीजन में हर दिन कोई न कोई बवाल करती नजर आती थी। अर्शी को अपनी बदतमीजी के लिए कई बार सलमान खान से डांट सुननी पड़ती थी। इसके बाद अर्शी कई सीजन में अलग अलग मौकों पर बिग बॉस में दिखी। अर्शी ने हिंदी फिल्म तलाश एम्पायर से बॉलीवुड डेब्यू कर लिया है। इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियोज का भी हिस्सा रही हैं। वहीं अर्शी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो आए दिनों अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। कई बार एक्ट्रेस को अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए ट्रोल का भी सामना करना पड़ता है। आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट जरूर करें।